असलम एवरी मान मैं हूँ राबिया और आप देख रहे हैं चिल्ड्रन लाइफ तो चिल्ड्रन लाइफ में आज हम हेयर ब्रशेज की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे कि हमें किस तरह के हेयर ब्रशेज़ का कर यूज़ करना चाहिए और कौन से हेयर ब्रशेज से हमें इवॉइड करना चाहिए एक्चुअली होता यह है कि जब भी हमारे हेयर जो है वो डैमेज की तरफ जाते हैं मतलब हम बहुत ज़्यादा हीटिंग स्टाइलिंग टूल्स का कर यूज़ करते हैं तो हमारे बाल जो हैं वो आ, पतले हो जाते हैं गिरने लगते हैं डैमेज की तरफ जा रहे होते हैं तो जब हमें रियलाइज होता है हम क्या करते हैं हम अपनी हेयर ऑयलिंग करते हैं हम होम रेमेडीज वगैरह ट्राई करते हैं लेकिन एक ऐसी चीज जिसकी तरफ हमारा कभी भी ध्यान नहीं जाता वो होता है हेयर ब्रश हम कभी भी ये नहीं सोचते कि कोई हेयर ब्रश ऐसा भी हो सकता है जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो टूट रहे हैं गिर रहे हैं जहाँ हमें हेयर डैमेज हो रहा है या हेयर ब्रशेस की वजह से हमारा हेयर ग्रोथ जो है वो प्रमोट हो सकता है तो आज के वीडियो में हम हेयर ब्रशेस की इंपॉर्टेंस के बारे में बात करेंगे लेकिन उससे पहले आपने हमारे चैनल चिल्तन लाइफ को सब्सक्राइब करना है बेलाइकन को क्लिक करना है वीडियो पसंद आए तो इसको जरूर लाइक शेयर करना है तो हम ज्यादातर तीन तरह के ब्रशेज का इस्तेमाल करते हैं मेटल प्लास्टिक और वुडन ब्रशेस सबसे पहले हम मेटल और प्लास्टिक के ब्रशेस की बात करें तो ये सेम सेम ही होते हैं मतलब सेम सेम ही काम करते हैं इन ब्रशेस की सबसे बुरी बात ये होती है कि इनके जो ब्रशेस होते हैं टूथ होते हैं यानी कि जिन्हें हम दंदे भी कहते हैं आमतौर पर वो बहुत ही ज्यादा नैरो हार्श और शार्प होते हैं जिसकी वजह से हमारी स्कैल्प जो है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होती है और जब भी हम अपने हेयर्स को डीटैंगल करने लगते हैं यानी कि बालों को सुलझाने लगते हैं तो हमारे बाल बहुत ज्यादा आ, मतलब उससे नोचे जाते खींचे जाते हैं हेयर पुलिंग या हेयर टगिंग होती तो हेयर पुलिंग और हेयर टगिंग की वजह से हमारे जो बाल टूटते हैं तो उन टूटे हुए बालों को देख कर भी हम यही समझते हैं कि ये हमारा मतलब हेयर फॉल है इंटरनल या एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हम कभी भी ये बात नहीं समझते कि इस हेयर ब्रश ने हमारे इतने बाल तोड़े है प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस की दूसरी बड़ी बुरी बात यह है कि ये स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं जो की हमारे बालों का बदतरीन दुश्मन है और इसी की वजह से हम फ्लिकीनेस फ्रीजीनेस ड्रिटल और डैमेज जो है वो फेस करते हैं मतलब स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे बालों की हेल्थ को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट करता है अब अगर हम बात करते हैं वुडन ब्रशेस की तो वुडन ब्रशेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके जो ब्रेस्टल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वाइड होते हैं मतलब कि खुले खुले से इसके जो टूथ होते हैं वो खुले खुले होते हैं और बहुत ही सॉफ्ट होते हैं हमारी स्केल्प को ना इरिटेट करते हैं ना हमारे बालों को खींचते हैं ना नोचते हैं ना ही तोड़ते हैं। और इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीबम uh, जो नेचुरल ऑयल होता है ना ये उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हमारे बालों में जिसकी वजह से बाल बहुत ही ज्यादा नरिशिंग शाइनिंग और सॉफ्ट नजर आते हैं अगर सीबम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो हमारे बालों में तो क्या होता है कि हमारे जो हेयर हैं वो बहुत ज्यादा ग्रीसी और चिपचिपे से लग रहे होते हैं सीबम या नेचुरल ऑयल जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारे हेयर्स में तो इससे ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होती है और हमारे स्कैल्प के नीचे जो फॉलिकल्स होते हैं जो ग्लैंड होते हैं वो भी बूस्ट अप होते हैं और नतीजे के तौर पर हमारे बाल जो हैं वो थिकर होते हैं हेल्थियर होते हैं शाइनी होते हैं मतलब बालों की हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती है वुडन uh, ब्रशेज में क्योंकि नेचुरली फाइबर होता है तो ये स्टेटिक इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं करता और इसी इसकी वजह से फिर आपके बाल जो है वो फ्रीजीनेस फ्लिकीनेस की तरफ भी नहीं जाते बाल जो है वो आपके सॉफ्ट रहते हैं फिर प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेज की अगर हम बात करें तो ये हाइपो एलर्जेनिक भी नहीं होते मतलब जिन लोगों के स्कैल्प बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो इनके हार्श और शार्प uh, जो ब्रिसल्स होते हैं उनकी वजह से वो और ज्यादा इरिटेट होते हैं तो वुडन ब्रशेज जो होते हैं ये हाइपो एलर्जेनिक होते हैं इनकी uh, ये मतलब ऑल टाइप्स के लिए सूटेबल भी हैं और आइडियल हैं सेंसिटिव स्किन वालों के लिए तो ये आपको बहुत ही सॉफ्ट वैराइटीज में मिल जाते हैं उसके बाद वुडन ब्रशेस जो हैं ये हीट कंडक्टर नहीं होते जबकि प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस जो हैं वो हीट कंडक्टर होते हैं मतलब आपने जब भी स्टेटर um, का यूज करना है या आप कोई भी हीटिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप वुडन ब्रशेस को इस्तेमाल करें ठीक है उसके बाद वुडन uh, ब्रशेस जो है ये बहुत ही क्लीन और क्लियर करते हैं हमारे स्कैल्प को मतलब जितने भी डर्ट पार्टिकल्स होते हैं ये उनको हमारे स्कैल्प से रिमूव करते हैं उनको निकाल बाहर करते हैं uh, लेकिन प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेज जो है ये हाई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं तो जितना भी डर्ट पार्टिकल होता है ना ये इस ब्रश के साथ चिपक जाता है ठीक है तो इस हिसाब से भी वुडन ब्रशेस जो है वो बहुत जबरदस्त है ये वीडियो जो है ये एक्चुअली हेयर ग्रोथ से रिलेटेड ही एक वीडियो है जिसमें मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाह रही थी कि ब्रशेज जो हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए और इनकी वजह से भी हमें हेयर फॉल हो सकता है तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो है वो हाईलाइट किए हैं प्लास्टिक और मेटल के ब्रशेस को लेकर और वुडन ब्रशेज को लेकर सो गाइज होपफुली कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक शेयर कीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग अल्लाह हाफिज